हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं अपने इस एपिसोड में एक ऐसी समस्या के बारे में डिस्कशन करने जा रही हूँ जो लगभग सभी इंसानों को होती है। मोस्टली जनों को ये परेशानी है कि उन्हें दांत खाज खुजली हो जाती है, खारिश हो जाती है, और ये एक ऐसी समस्या है जिससे इंडिया का हर एक व्यक्ति, क्या पूरी दुनिया का हर एक व्यक्ति परेशान है। जैसे कि कभी कभी तो मॉइस्चराइजेशन के कारण भी दांत खाज खुजली हो जाती है। अब आपको पता है, जैसे कई बार आप ज़्यादा पानी में नहाते हो, कहीं पानी, साबुन का पानी रह जाता है तो गर्दन पे दाद सा बन जाता है, पैरों की उंगलियों के बीच में आपको खुजली हो जाती है, दाद हो जाता है ना। शरीर के पीछे ट्रंक एरिया पे, यानी पीठ पे भी आपको दाद हो जाता है, अक्सर खुजली हो जाती है। या आपके वेजाइनल एरिया, साफ ढंग से रोज साफ ना करने पे, प्राइवेट पार्ट को साफ ना करने पे, वहाँ पे एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे ईस्ट बन जाती है, वो क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण आपको वहाँ पे एक दाद हो जाता है, रोज खुजली होती है, और धीरे धीरे वहाँ एक रैश हो जाती है। रैश एक ऐसी समस्या है, दाद खाज खुजली, खारिश होना, फिर खारिश होने से वहाँ एक लाल लाल चित्ता सा पड़ जाता है, वो लाल लाल और सफ़ेद, लाल चित्ते से वो सफ़ेद हो जाता है और आपको वहाँ पे फाइनली दाद हो जाता है। तो ये एक ऐसी समस्या है कि इंडिया में हर कोई इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी दवा यूज़ करनी चाहिए कि उसका इफ़ेक्ट जल्दी हो, जल्दी से हमारी खारिश वहाँ की ख़त्म हो जाए, वहाँ का रैश ख़त्म हो जाए, धीरे से धीरे धीरे वहाँ पे जो निशान बने हैं गोल गोल से, चित्ते से बन जाते हैं, सफ़ेद रंग का दाग बन जाता है, वो ख़त्म हो जाए वहाँ पे। तो ऐसी कौन सी दवा हो सकती है जो जल्दी उस इफ़ेक्टेड एरिया पे अपना वर्क करे और जल्दी से उस दाग को ख़त्म कर दे। तो आज मैं बस वही दवाई लेके आई हूँ, दो ऐसे पावरफुल दवाइयाँ लेके आई हूँ जिनके कॉम्बिनेशन से, जिन्हें कंबाइन करके एक साथ पानी के साथ खाने से आपका जो वो इफेक्टेड एरिया है जहाँ खारिश है आपको, वो दूर हो जाएगी। एंड वो ये है कि मैं लेके आई हूँ, टैन टैन, ये है दवाई दाद खाज खुजली की, ये है क्लोट्रिमाजोल। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, क्लोसिप नाम की ये दवाई है। इसके अंदर एक साल्ट पाया जाता है, इंग्रेडिएंट पाया जाता है, जिसका नाम है क्लोट्रिमाजोल। ये किस लिए इस्तेमाल होती है दोस्तों, अगर आपको जब भी दाद या खुजली हो जाती है, तो खुजली के दौरान जो आपको इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण खारिश करने से आपकी वो इन्फेक्शन बढ़ जाता है, वो क्या है, उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए उसके अंदर जो कीटाणु होते हैं, ईस्ट, उसको दूर करने के लिए, ईस्ट एक तरह का फंगस है। जैसे आपको पता है, ब्रेड पे या आटे पे ज़्यादा देर रखने से बासी आटे पे फंगल हो जाती है, उसी तरह हमारे स्किन पे भी अगर खुजली हो जाए तो वहाँ पे एक फंगल डेवलप हो जाती है। उस फंगल, उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हम इस सॉल्ट का, इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हैं, क्लोट्रिमाजोल। तो ये जो दवाई है, अगर आपको कभी भी किसी जगह खारिश हो जाती है, खुजली हो जाती है, तो वहाँ पे एक रेड रैश हो जाता है, उस रैश को दूर करने के लिए, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, उस दाद को दूर करने के लिए हम इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। और इस क्रीम के अंदर बेसिकली जो सॉल्ट, मेन सॉल्ट प्रेजेंट है, वो है क्लोट्रिमाजोल। यही है वो सॉल्ट जो एंटी फंगल है, उस फंगल को, उस इन्फेक्शन को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा। लेकिन ये अकेली इस्तेमाल नहीं होती, ये तो सिर्फ इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, लेकिन वहाँ जो खारिश हो रही है, वहाँ जो खुजली हो रही है, उसको कौन ख़त्म करेगा। तो उसके लिए हमें दूसरी जो दवाई मैं आपके लिए लेके आई हूँ पावरफुल, वो है लिवोसिट्राजिन। आप इस पे देखिए, इस पे लिखा है लिव सेट, और लिव सेट के अंदर लिखा है लिवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड। ये एक ऐसा सॉल्ट है, ऐसा इंग्रेडिएंट है, जो आपको किसी भी तरह की एलर्जी हो, खारिश हो, उसे जड़ से ख़त्म कर देता है। आपको कहीं पे भी खारिश हो, बॉडी में हो, वेजाइना में हो, नीचे हो, पैरों में, स्किन, ये किसी भी तरह की खारिश हो या कोल्ड हो, उसको दूर करने के लिए हम, डॉक्टर हमेशा प्रिस्क्राइब करता है कि आप जब भी किसी दवाई या ऐसी कोई क्रीम लगाते हैं खुजली की, तो उसके साथ आपको डॉक्टर ये खारिश की दवाई ज़रूर लिखता है। खुजली की दवाई है ये, यानी पहले ये शांत करता है आपकी बॉडी के को, रिलैक्स करता है। जब आप वहाँ खुजलाना बंद करेंगे तभी तो वो समस्या जड़ से ख़त्म होगी। तो ये खारिश की क्या है, खारिश की टैबलेट्स है, जिसका नाम है लिवोसिट्राजिन। ये किसी बड़े से बड़ी कोई सी भी एलर्जी हो, कई बार कोई दवाई एलर्जी कर जाती है, हाँ, तो
जो डॉक्टर्स है वो क्या करते हैं, कोई भी दवाई के साथ ये लिवोसिट्राजिन जरूर देते हैं। कई बार कोई दवाई एलर्जी कर जाए, कोई क्रीम हम लगा रहे, कोई ब्लीच हम चेहरे पे लगाते हैं, कुछ भी, तो किसी भी तरह की बड़ी से बड़ी एलर्जी हो या छोटी से छोटी, उसे दूर करने के लिए डॉक्टर हमेशा साथ में सभी दवाइयों के साथ या सभी खुजली की क्रीम के साथ ये जरूर लिखता है लिवोसिट्राजिन। ये दांत खाज खुजली को कम करने के लिए होता है, उसको शांत करने के लिए होता है। और ये जो क्रीम है उस खुजली वाले एरिया में जो इन्फेक्शन हुआ है, रैश हो गई है, वो दांत से चित्ते पड़ गए हैं लाल रंग के, उसे दूर करने के लिए क्रीम यूज होगी। लेकिन उस खुजली को पहले शांत कौन करेगा, ये एलर्जी की टैबलेट्स लिवोसिट्राजिन। तो आज मैं बस, अगर आप ये दोनों लेते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपकी समस्या, आपकी खुजली धीरे धीरे शांत हो गई है, खुजली वहाँ से कम हो गई, अब खुजली होती नहीं है। और फिर 3 से 4 दिन के अंदर जो आपका वो रैश वाला एरिया, दाद वाला एरिया, जो गर्दन पे दाद है, पीठ पे है, उंगलियों के बीच में, हाथों की उंगलियों के, पैरों की उंगलियों, वो फिंगर्स के बीच की खुजली बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप इस्तेमाल करिए। और इसे लेना कैसे है ये मैं बता दूँ, पहले एक गोली लेनी है इसकी सुबह और शाम, यानी रात को खाने के बाद एक गोली लेनी है और सुबह खाने के बाद एक लेनी है गोली। और जहाँ पे इफेक्टेड एरिया, उस इफेक्टेड एरिया में ये क्रीम लगानी है, ये जो क्रीम है ना क्लोट्रिमाजोल, ये क्रीम उस इफेक्टेड एरिया में लगानी है, और खाने के बाद तुरंत ही एक गोली खा के फिर उस जगह इफेक्टेड एरिया में ये क्रीम लगाएं। और आप महसूस करेंगे कि आपकी वो समस्या, दांत खाज खुजली है, खारिश है, कोई भी ऐसी समस्या है, तो वो समस्या आपकी 3 से 4 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को टच करिए और मेरे को कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।